कौन कौन से चैप्टर्स आने लाइंस एंड एंगल्स हीरोन्स फॉर्मूला एंड स्टैट्स राइट ओके सो रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ स्टैट्स तब हमने वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करना था बेल हो गई थी तुम लोगों को तो याद नहीं रहता है ना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता दे मुझे कोई क्लास क्लास साइज इनटू यस बेटा यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटे जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है टेबल में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ओवर क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज एफ ओवर सीएस into MCS class size into minimum class size ये formula आपको पक्का याद होना चाहिए कि किससे divide करना है किससे multiply confusion कहाँ होती है कि divide करें मतलब multiply कौन सा कहाँ है तो ये थोड़ा सा picturization अपने mind में रखो F over CS into MCS this is minimum class size this is class size ठीक है बातें नहीं करनी है बेटा दो मिनट में चुप करके क्वेश्चन देखते हो आप शुरू हो जाते हो एंड आई हैव टोल्ड यू मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आपको नहीं आने हैं ठीक है क्या लेस देन मोर देन दो क्या लेस देन मोर देन बेटे वो तो लेस देन मोर देन आपके बुक में कहाँ है लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन है टेंथ के क्वेश्चन है वो तो लेस देन मोर देन आपको नहीं है बेटे सो लाइक यू हैव 1 to 4 प्लीज लुक ऑन द बोर्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम 6 to 8, 8 to 12 जनरल ठीक है फ्रीक्वेंसी में ले 6, 30, 44, 16 अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द यू कैन सी दैट इसमें क्लास साइज कितना है कितना क्लास साइज है 3 कॉन्टिन्यूस तो है ना व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूस देन व्हाट इज द क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर If the class size is class interval sorry are not continuous, then what is the class size yug? अगर class intervals continuous नहीं है एक मिनट आता है ना आपको एक मिनट बेटा उसको बोलने दो 1 to 7, 8 to 15 16 to 23 क्लास साइज बताओ 7 कैसे 7 क्यों 6 क्यों नहीं सेवन क्यों 6 क्यों नहीं 6 होगा 6 क्यों 7 क्यों नहीं हाँ जी बेटा क्या होगा 7 होगा क्योंकि ये दीस क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस देन इट मींस जैसे अगर 7 आएगा 7 को कहां डालेगा एक बच्चा जिसकी है 7 ईयर है उसको कहां डालेगा इधर ही डालेगा 1 टू 7 ना वो इधर का ना वो इधर का कहां जाएगा बच्चा इस इंटरवल में जाएगा बात समझ में आ गई सो अगर क्लास इंटरवल बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है मींस ये दोनों सेम नहीं है अगर 2 का ले ले
तो क्या हो गया, उन्होंने क्लास साइज पूछा है, क्लास साइज पूछा है, ये लो 1 to 7, 9 to 16, 18 to 25, 25 माइनस करके देखो ना, माइनस करके तो सेम ही आएगा ना, 7 minus 1 6, 16 minus 9 7, तो यहाँ 15 आएगा, 9 और 15 बीच में हो गए ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, माइनस करके सेम ही आएगा, लेकिन क्लास साइज वो नहीं है जो माइनस करके आएगी, बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, 2 का डिफरेंस है। अगर कॉन्टिन्यूस बनाना है, आप कॉन्टिन्यूस बनाकर देखो, जब आप इसको कॉन्टिन्यूस बनाओगे तब भी आपका क्लास साइज क्या आएगा, 7। बना के दिखाऊं, 9 हाफ क्यों करना है, 0 to 8, एक मिनट रुको, एट का डिफरेंस आ गया, लेकिन अगर हम इसको, हमारा क्लास साइज इसमें कितना आ रहा है, 8, क्लास साइज 8 आ रहा है। मान लो हमारे पास कोई क्लास इंटरवल्स हो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 6, एक मिनट देखने दो कि चेंज होता है, 1 to 6 वो तो मैंने अपनी तरफ से लिया ना, 7 to 12, 13 to 18 and 19 to 24, इतना लेके देखते हैं इसका क्लास साइज क्या होगा, इसका क्लास साइज क्या होगा, 6, ठीक है। नाउ डिफरेंस इज, इसमें 5 का है क्लास साइज, मैंने डिफरेंस नहीं पूछा, क्लास साइज पूछा है, डिफरेंस तो मैं इसका बोल रही हूँ बेटा, 6 और 7 का डिफरेंस 1 का हाफ पॉइंट, तो 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 to 18.5, अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना, तो जिसमें 0.5 का, यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला है कि जिसमें तो डिफरेंस क्लास, ये क्लास, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 है, उसमें क्लास साइज हमारा कंटिन्यूस करने पे सेम ही रह रहा है, सेम रह रहा है कि नहीं, नहीं समझ आई बात, ये कंटिन्यूस नहीं है ना बेटे, उसको छोड़ो, ये कंटिन्यूस नहीं है। आपके पास ये टेबल आ गया और पूछा है कि क्लास साइज क्या है, आप क्या लिखोगे, आपने देखा इट इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6, क्लास साइज इज 6, ठीक है, ओके। तो उसको अगर हम कंटिन्यूस बनाते हैं तो 0. इसका अब ये सेम हो गया, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होते हैं तो क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 ही आ रहा है। इस केस में, इस केस में डिफरेंस कितना है, 15 minus 9 कितना होता है, 6, 23 minus 17, 16, इसमें 2 का डिफरेंस है। अब इस जिसमें 2 का डिफरेंस है, आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द इंटरवल 9 to 15, तो आप क्या लिखोगे, 7, नहीं 8 नहीं बेटा, अभी हमने इसमें 9 आया, कंटिन्यूस नहीं बनाया, 9 10 11 12 13 14, हाँ। अब ऐसे क्वेश्चन में अब 8 कहां जाएगा, नंबर 8 कहां जाएगा, 1 to 7 और 9 to 15, वेयर विल 8 गो,
एट यूजली यहां तक जिसके मान लो जिसके नंबर एट है तो वो सेवन वाले इंटरवल में क्यों जाएगा? पिछले हमने एक बच्चे है जिसके नंबर है एक कैटेगरी बना दी जिसके मार्क्स है टिल सेवन, फिर कैटेगरी बना दी जिसके जो एवरेज बच्चे है जिनके नंबर है आठ से लेके पंद्रह तक, तो वो जो अगर हम ऐसे इंटरवल्स बना दें तो जो आठ वाला बच्चा है जिसके नंबर आठ है वो नलायकों की कैटेगरी में क्यों जाएगा? बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, वो अगले में जाएगा जिनका नौ से शुरू हो रहा है वो अगले में जाएगा। तो अगर ऐसे हो जाए तो क्लास साइज कितना आएगा? एट। कॉन्टिन्यूस बनाकर देखोगे, वैसे इतना ट्रिकी नहीं डालेंगे, बट है तो ये क्वेश्चन कि अगर क्लास साइज अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस टू आ जाए देन व्हाट इज द क्लास साइज, देन द क्लास साइज इज एट। तो कंटिन्यूअस बनाकर देखो उसमें क्या होता है, उसमें सेम है इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया, तो कंटिन्यूअस बनाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। किसमें? जिसमें डिफरेंस क्या है वन, जिसमें डिफरेंस टू है, ये ध्यान रखना, जिसमें डिफरेंस टू है उसमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस बनाकर देखो, क्लास साइज एट आएगा। हाँ, उसमें उसको भी लेना है और उसको भी लेना है, उसको कॉन्टिन्यूस बनाकर देखो, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। क्या है यहाँ हमारा सेवन आ रहा है तो यहाँ एट क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि आठ नंबर, इसलिए कॉन्टिन्यूस बनाकर देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यू नेवर नो, अगर क्योंकि बुक में मैंने जहाँ भी देखे हैं वैसे क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस वन है, टू वाला देखा नहीं है, है नहीं टू वाला, बट इसने पूछा तो डिस्कस तो करना था, ठीक है ना। So what I was talking about, I was talking about that this type of question can come in which what will be asked, the adjusted frequency, what will be the adjusted frequency of the class interval 4 to 6, इसकी आपको निकालनी है। तो आपने आपको पता है formula is frequency over class size into minimum class size. What is the frequency of this class and what is the class size? 6 माइनस 4 2। अब माइनस क्यों किया है? यस, अब माइनस क्यों किया युग? 6 माइनस 4 किया है, 3 4 5 6 तीनों नंबर क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो क्लास साइज इज 2 एंड द मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज क्या होता है? सबकी क्लास साइज देखोगे 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2 2 and 12 minus 8 is 4. So the minimum class size is also 2. इसमें चेंज नहीं हुआ। जिस बच्चे ने को फॉर्मूला नहीं भी लगाना आता उसका भी आंसर सही होएगा 30। इसने सीधा तो ऐसे लिख दिया 30। अभी अभी बुक से चेक किया, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो अभी एनसीईआरटी में से। तू क्या बोल रहा है? मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज ही तो है, फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज, वही तो है। मैंने उसके नीचे बजाय डिनोमिनेटर में ही है क्लास साइज, एक ही बात है, जो वो रट्टा लगाया हुआ है जैसे आपने वैसे, फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज, जैसे मर्जी कर लो। ओके, धीरेन इज इन द क्लास। धीरेन बेटा, आपने वो मुझे टेस्ट भेजा था, वो मैंने ओपन करने की कोशिश की, वो मेरे ड्राइव में भी नहीं दिख रहा मुझे, और जब मैं जो तुम्हें भेजा था उसको ओपन करती हूँ तो वो खुल नहीं रहा। आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, फिर कर दूंगी डिस्कस। ओके, राइट नाउ क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या हुआ दिव्या, ठीक नहीं हो? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल
द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, द डिफरेंस बिटवीन, नहीं जी, डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स, डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज 14 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्राइंगल है. द डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल इज 14 सेंटीमीटर. एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. अरे एक मिनट, फाइंड द एरिया निकालो. इन्होंने क्वेश्चन को पूरा लिख दिया है. वेरीफाई दिस एरिया बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला. तो आप निकालो जरा एरिया. फाइंड द एरिया. अरे आप आंसर 120 है बेटा. तो चल निकाल. अरे अब लक्ष्य बताओ थोड़ा सा. राइट एंगल ट्राइंगल है. अरे नहीं, कहाँ दिया एरिया. मैंने बोला एरिया निकालना है. सुनना नहीं है, बस शुरू हो जाना है. दिस इज अ राइट एंगल. द डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, मतलब ये वाली साइड्स इज 14. अगर एक x है, दूसरी x माइनस 14, x प्लस 14 कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 14 है. तो चाहे प्लस 14 लो चाहे माइनस. समझ आ गई बात. निकलेगा निकलेगा नहीं नहीं फिर पाइथागोरस में तो x आ ही जाएगा ना, वो भी x. एरिया 120, फाइंड द हाइपोटेन्यूज. ये हो जाएगा एरिया 120, फाइंड हाइपोटेन्यूज. बेटा वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना. चलो सी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स माइनस 14, एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज. चलिए चलो नित्य हरे अब. पेपर में आओगे तो एनसीईआरटी पढ़ के आना. एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे देख कर आने हैं. बेटा जी डेट शीट देखो. यस, इज दिस दिस टू डिस्कस राइट नाउ. देख लेते हैं. नहीं हो रहा. आंसर है कौन सा चैप्टर है ये. हीरोंस फॉर्मूला कहाँ गया. नहीं, बोर्ड पे देखो क्या आंसर है. हाँ हाइपोटेन्यूज. दोनों साइड भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक्स एक्स है. आराम से.
इधर आओ करके देखना पड़ेगा. लुक हियर ऑन द बोर्ड बेटा. ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये बेस, ये हाइट. वी नो द एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जिसको मर्जी पहले लिख दो. इट इज इक्वल टू एरिया 120, एक्स इनटू एक्स माइनस 14, 2 के साथ 120 मल्टीप्लाई हुआ 240. सो नाउ वी हैव ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 240. इट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व किया ना, क्या एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पीएस स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्टाइल. कैसे किया फिर? नहीं तो कैसे करेगी बेटे? नहीं होगा, कैसे होगा? वो टेंथ में होता है, वो लगाने की जरूरत है. बात समझ में आ गई? बुक में से ये क्वेश्चन, 9 की बुक में से. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप लोगों को आता है, आपने किया है. लुक हियर, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड प्लीज बेटा. ठीक है, अगर आप देखो कहां तक पहुंचे हो आप. इधर देखो, दिस इज द, आपको याद है सम होता था. सम क्या होता था? द नंबर विच इज द कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल. पावर मोहन जी, क्या इतना टाइम थोड़ी है. ठीक है, तो व्हाट इज द सम? माइनस 14 अलोंग विद द साइन. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? ये जो कांस्टेंट होता है इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सब भूला हुआ है, ऑनलाइन थे ना. दिव्या रुक जा, सॉल्व करते हैं आप. सो द प्रोडक्ट इज माइनस 240. इसका कोफिशिएंट क्या है? 1. तो माइनस 240 इनटू 1 माइनस 240 हुआ. अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम होगा माइनस 14 और प्रोडक्ट होगा माइनस 240. तो बेटा माइनस 12, तो बेटा वो अगर ऐसे ऑरली नहीं ना आता तो वो कैसे आता है? प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाते हैं. 240 है, माइनस साइन छोड़ो, 120 करवाया हुआ तुम्हें. ये देखिए, अब इन्हीं में से ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हीं में से मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे आएंगे. तो ये करना पड़ेगा, 15 टू द 4 टू द 8 टू द 16 नहीं हो सकता. 10 5 टू द 10 3 टू द 6 और 12 24 14 आ रहा है ना डिफरेंस. अब हमें सम क्या चाहिए? नेगेटिव में. तो माइनस 24 एंड 10, सम मतलब दो नंबर्स को प्लस करोगे. माइनस 24 और 10 को प्लस करोगे, आंसर क्या आएगा? और माइनस 24 को 10 से प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, सो इट विल बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस, चाहे पहले 24x लिख दो चाहे पहले 10x लिख दो, आपकी मर्जी है. ये लो, माइनस 24x बेटा इक्वल टू जीरो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये 240 राइट हैंड साइड पे था. जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो वो माइनस नेगेटिव बन गया, तो राइट हैंड साइड पे क्या बनने बचा? जीरो. बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखना ही होता है. अगर आपके पास ऐसे हो x is equal to minus 7, क्या लिखती होती थी? इसको क्या लिखेगी? x plus 7 is equal to 0. अगर ऐसे होता था तुम्हारे पास x is equal to 7, इसको क्या लिखते थे? Equal to 0 लिखते थे ना. जब इधर वाला नंबर उधर ले आते थे तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखते थे? भूल गए ना, क्योंकि ऐसे बड़ी क्वाड्रेटिक है तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है. लिखते थे ना, जब राइट हैंड साइड वाले नंबर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा? जीरो. कैसे जीरो बचा? क्योंकि 240 क्या था? 240 इंटू 1 प्लस 0, तो वो उधर आ गया, जीरो बच गया. कुछ बचे? हाँ, ठीक है ना, समझ आ गई बात. तो ये समझ आ गई स्प्लिटिंग. नहीं आई तो पूछ लो भाई. ठीक है, सो अब कॉमन लेते हैं x
इन इसमें से x कॉमन क्या बचा, x माइनस 24, इसमें से क्या कॉमन है बेटे 10। ये मत सोचो कि ये कुछ मुश्किल मैम ने पिक कर लिया है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक जो आपका जब एलजेब्रा आपने किया था 8th में तब ये था फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन में कितने सारे सम थे जिसमें आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना था, तो ये वो उसमें क्या था इक्वल टू जीरो नहीं था, सेम चीज है बस यहाँ जीरो जीरो लगाते जाने। रिमेम्बर अगर पढ़ाई की होगी तो याद होगा, यहां से क्या कॉमन है 10, क्या बचा एक्स माइनस 20। अब एक ये टर्म है एक ये टर्म है, एक्स माइनस 24 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या ये जीरो या ये वाली ब्रैकेट जीरो। यहां से x कितना आया 24, यहां से कितना आया माइनस 10, माइनस 10 वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट एंगल ट्राइंगल है x है, नेगेटिव में साइड हो सकती है, सो x इज 24। जरूरी नहीं हाइपोटेन्यूज पूछे, ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ये 24, ये 24 माइनस 14 10, और फिर आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। निकाले यहां तक पहुंचे थे बस, फिर अब तो निकल जाएगा फिर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस ये आया था नहीं आया था, अब समझ आ गई। अब इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यू कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज इफ इट इज आस्क्ड, 26 आएगा। हाँ जी 26। हीरोन्स फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है, जैसे ट्रेपीजियम है इसका एरिया निकालना होता है, याद है ये 1 है ये 1 है ये 1 है ये 2 है, वैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। शोर मत मचाओ बेटा, शोर मत मचाओ ठीक है, बट हाइट, बट आपको ये नहीं आएगा कि हाइट भी गिवन है, क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए ट्रेपीजियम का एरिया निकालना और हाइट गिवन नहीं है, दो क्वेश्चन है एक, हाँ और एक, यस वेरी गुड, बता रही हूँ, बोलने देंगे तो फिर बोलूंगी ना बच्चे। ये साहिल फिर देख ले तो मुझे, मैं फोर्स मत करो कि मैं आप पहले गुस्सा दिखाऊं, तुम जानते नहीं। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है 1 एंड 2 इनटू हाइट। अब हाइट नहीं हमें पता, हाइट फाइंड करने के लिए एक पैरेलल लाइन बनाएंगे इसके साथ, ठीक है ये 1 है तो ये भी 1। इजी वाला दो मेथड किए थे ना उसमें से एक इजी था, कौन सा वाला इजी था? चलो एनीवेज, चलो मान लो कुछ भी साइड आ सकती है बेटा, 3 मिनट रह गए मुझे बोलने दे, फिर कल बात करेंगे ठीक है। अब इसमें देखो ये साइड है, अब हमें चाहिए ये हाइट, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये पूरे में से इतने को माइनस कर दोगे, ये 2 है, 2 में से 1 गया, ये भी कितना आया, जो भी ये बच जाता है ना, ये जो होता है ये और ये ट्राइंगल, ये उसका हाफ हो जाता है। अगर ये 7 है तो ये 3.5 3.5, अभी ये 1 है तो क्या होगा 0.5 0.5। तो आप इस ट्राइंगल को उठाओ किरॉन्स फॉर्मूला लगाने के बजाय ना, ये कितना है 1, ये कितना है 0.5, हाइट निकल जाएगी नहीं, लग नहीं समझ आ रही, ये समझ आ गया ये 1 कैसे है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 1 समझ आ गया।
मान लीजिए 20 होता और ये 10 होता, तो ये 10 होता, ये कितना हो जाता 5। जो भी ये बच गया ना ट्राइंगल की साइड, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना, आपको बताया है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं वो सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है, डिवाइड करती है बताया है, तो जो भी ट्राइंगल की साइड आ जाएगी वो हाफ हो जाएगी। तो ये 1 था, 1 का हाफ 0.5 पॉइंट। हमें बेसिकली हाइट चाहिए तो हम ये छोटा ट्राइंगल उठाएंगे, नेम वेम देते रहना, ठीक है। एच स्क्वायर, हाँ तो हाइट निकालेंगे ना, एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड हमारी हाइट है, तो निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस कितना है 0.5 स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, माइनस करोगे 2.4, 0.75 बाय 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट 75 बाय 10, 100 का भी स्क्वायर रूट हुआ तो 10 आ गया। 75 का स्क्वायर रूट किसके अप्रोक्सीमेटली होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 8.5। तो हाइट की जगह हाइट डालोगे, कैलकुलेट करोगे आप, किया है 0.25 करके माइनस किया है, 1 माइनस 0.25 0.75। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है, जो भी जैसे भी किया है अप्रोक्सीमेटली आई होगी वैसे, तो फिर एरिया निकालना है, रूट में छोड़ दिया था मेरे हिसाब से, वहां निकाला था। ठीक, फाइन। सो टुडे एट 2 o'clock यू विल गेट योर टेस्ट एवरीवन। हाँ, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द पीरियड गेट्स ओवर, आपने जब अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, बीच में से कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा जो अपने नेम में कहीं में ए ए ए आ रहा है, बी 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 आ रहा है, मींस नेम नहीं है शो, तो हम वी कैन नॉट ट्रैक हु इज दैट चाइल्ड, रीनेम। हाँ तेरा नाम आ रहा है यू, इसका साहिल का भी आया कैसे, कई बच्चे ऐसे हैं, अब आपको पता है वो कैसे करना है, वो अपने आप देख लेना, मैंने नहीं करना, अब मैं क्यों करूँ, मैं इतनी फ्री हूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।